सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में। जी हाँ, यस्टरडे हमने एसबीआई कार्ड के स्टॉक में गिरावट देखा एंड लास्ट फ्यू डेज से भी थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा है एसबीआई कार्ड्स। इसके पीछे क्या रीजन है एंड क्या आपको एसबीआई कार्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्गर हॉरिजन, सारी चीजों को डिटेल्स में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सो यस्टरडे क्या हुआ, कार्लाइन ग्रुप जो कि एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, उन्होंने ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के स्टेक जो ऑलमोस्ट 5% का है उसको सेल किया फ्रॉम एसबीआई कार्ड्स। शायद उनको किसी और स्टॉक में या फिर किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो उन्होंने अपने स्टेक को सेल किया एंड उस टाइम एसबीआई कार्ड का प्राइस था 1050 के करीब एंड उन्होंने जो प्राइस पे सेल किया वो था 1005। सो जिस प्राइस पे मार्केट में स्टॉक चल रहा था उससे लोअर प्राइस में जब कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म किसी स्टॉक को बेचता है तो उसका इम्पैक्ट तो स्टॉक पे पड़ता ही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर या फिर जो भी मार्केट में हेजिंग के लिए शॉर्ट करते हैं उन्होंने भी इसको सेल किया, जिस कारण स्टॉक में थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा। अब क्वेश्चन ये है, कार्लाइन ग्रुप ने स्टॉक पे अपने स्टेक को क्यों घटाया या फिर क्यों सेल किया, या क्या यह स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अभी भी अच्छा है। सो हमको जानना पड़ेगा कोई फंड किसी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करता है। कोई फंड जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उनका हॉराइजन लॉन्गर होता है एंड उनको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिटर्न से ऊपर का रिटर्न चाहिए होता है। नॉर्मली एक फंड को मिनिमम 15% से ज्यादा का रिटर्न चाहिए होता है, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल कम हो तो कभी कभी बहुत सारे फंड जो उस स्टॉक से एग्जिट ले लेते हैं। अब हमको जानना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में कितने तरह के फंड और कितने तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो वेंचर कैपिटल की तरफ से होता है। वेंचर कैपिटल एक ऐसा फंड होता है जो बहुत ही एग्रेसिव होता है, वो किसी भी स्टॉक को लो प्राइस में बाय करती है या फिर आईपीओ के टाइम के थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं एंड उनका जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं वो मल्टीबैगर होता है, यानी ये बहुत ही रिस्की फंड होते हैं, या फिर इनको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए होता है या फिर इनको लॉस भी हो सकता है। नाउ सेकेंड जो आता है वो आता है प्राइवेट इक्विटी फर्म, जो नॉर्मली 11-15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करती है या फिर उससे ज्यादा। अगर किसी पर्टिकुलर प्राइवेट इक्विटी फर्म लाइक कार्लाइन ग्रुप उसको ऐसा लगे कि शायद एक पर्टिकुलर स्टॉक से अगर उनको ईयरली 10-12% का रिटर्न मिल रहा है या फिर इन फ्यूचर उनको 10-12% का रिटर्न मिल सकता है, तो वो उनके लिए सफिशियंट नहीं है। वो उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ से उनको ज्यादा रिटर्न मिले, 15-20%, तो वो किसी स्टॉक में अपने स्टेक को सेल करते। ऐसा ही उन्होंने किया, लेकिन इससे एसबीआई कार्ड का वैल्यूएशन या फिर स्टॉक का क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब एक फंड एग्जिट लेता है तो ऑल्टरनेटिवली कोई और फंड जो है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले लेता है। थर्ड आता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर जो आपकी मेरी तरह है, जो लॉन्गर हॉरिजन के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो 12-15% एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि हम जानते हैं फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न बहुत कम हो गया है। सो अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक मिनिमम 10-12% रिटर्न भी आपको एनुअली दे, तो वो भी रिटेल इन्वेस्टर जो लॉन्गर हॉरिजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। कार्लाइन ग्रुप ने जो स्टेक सेल किया है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो नेगेटिव है, लेकिन लॉन्गर होराइजन के लिए ये पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि जब स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिलता है तो उसको एक्युमुलेट हमेशा करना चाहिए, एंड खास करके ऐसा स्टॉक जो एसबीआई कार्ड है। एसबीआई के इसमें बहुत बड़ा प्रोमोटर होल्डिंग भी है। नाउ अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें द लास्ट वन ईयर, सो उसमें एफआईआई, डीआईआई या फिर रिटेल इन्वेस्टर सभी ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, खार के एफआईआई ने। एफआईआई का स्टेक 4.07% से बढ़ के 8.62% हो गया है इन द लास्ट वन ईयर। उसी के साथ साथ अगर हम डीआईआई के स्टेक को भी देखें, 3.79% से बढ़कर 5.97% हो चुका है, यानी डीआईआई, एफआई सब इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत ज्यादा बुलिश है एंड लॉन्गर हॉरिजन के लिए स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। सो एट दैट मोमेंट अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म स्टॉक से एग्जिट ले रहे थे उसके लिए इसका शॉर्ट टर्म पे तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्गर हॉरिजन के लिए ये और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली दैट कोई और इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा एंड स्टॉक डिस्काउंट में मिलेगा फॉर रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो एसबीआई कार्ड इज अ वेरी गुड स्टॉक। अगर आप एसबीआई पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस स्टॉक के जो मेन प्रोमोटर्स है वो एसबीआई ही है। नाउ अगर वीडियो अच्छा एंड इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।